हरदोई के मझिला थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर गाजी में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या हुई। परिजनों ने तीन लोगों के खिलाफ तहरीर दी। महिला थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर गाजी में सोमवार को सुबह झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। इसकी जानकारी ग्रामीणों को लगी तो मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई। सूचना पर आला अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जांच पड़ताल की। इसके बाद पता चला कि मृतक युवक का नाम आजाद पुत्र राम सरन गांव का ही निवासी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उसका गांव के ही एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते उसकी हत्या हो गई है और शव को झाड़ियों में फेंका गया। मृतक के परिजनों ने गांव के तीन लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा प्रताप कुमार। जो ये आपके भाई का शव मिला है, इनका नाम आजाद। ये कब से निकले थे घर से? क्या 10-11 बजे तो घर ही पे थे, प्रेस करके कपड़े में रख दी, जिसके बाद में उसका पता नहीं लगा। सुबह उठे कर देखा तो बिस्तर पे नहीं था। बस जब यहाँ सुबह इधर लेटरिंग करने आया, जब उन्होंने देखा तब बताया। इनका किसी के साथ कोई वाद विवाद या कोई कारण नहीं था? बस जूली के साथ बातचीत कर रहा था, इसको मैंने मना किया, उसको भी मना किया, उन्होंने फिर भी जब बात करते थे दोनों। ये कौन है जूली? जो पड़ोस में रहती है। गया इसमें क्या मामला है और सर क्या कार्रवाई हो रही है? जो अब तक तथ्य प्रकाश में आए हैं, प्रेम प्रसंग को लेकर ये घटना हुई है। इसमें गांव के तीन लोग को निलंबित किया गया है और शीघ्र ही उनके विरुद्ध गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी।